Why am I traveling to Mizoram? The answer is this man, MSA Ralte. Who is he? Why is it so important that I am traveling? In fact, riding all the way from Delhi to meet him. MSA mein mila tha in September 22 at Hanle in Ladakh. Okay, we have a friend. What is the name you said? MS. MS is from Mizoram. We met a northeastern guy here. He came out from this homestay and then he was greeting us. Ralte akele Mizoram se Ladakh to Mizoram ke circuit ride pe tha. हमने उमलिंगला पास जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है साथ में हनले से राइड किया था। हमारे साथ मिजोरम वाला जो भैया है वो भी जाएंगे। वाइल रिटर्निंग एमएसए का मोटरसाइकिल लद्दाख के रेगिस्तान में खराब हो गया था। किसी ने मदद नहीं किया सिवाय मेरे दोस्त और मैंने। हमारा पांग मिजोरम वाला बंदा यहाँ पे फंसा हुआ है। एक्चुअली ये बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। मोटरसाइकिल का क्लच प्लेट्स खराब हो जाने की वजह से एमएसए का बाइक हिल ही नहीं रहा था। फिर मेरे दोस्त और मैंने रालते का बाइक को अपने बंजिस में बांध के एक थार से पुल करवाया था मेन रोड तक। ओए सभी दे सिंगिंग वाला किन बहुत बैड हो चला तो मुख डेरा लगा लो। इट विल गो एनीवे इट विल गो डोंट वरी कम ऑन। थार के जाने के बाद मेरे दोस्त ट्रिनायन ने अपने बाइक में रालते का बाइक टो करके लेह मनाली हाईवे तक लेके गया था। एंड इन द एंड रालते और उसके बाइक को ट्रक में डाल के अलविदा कहा था। इस इंसिडेंट के बाद हम स्ट्रेंजर्स से अच्छे दोस्त बन गए। सितंबर 22 के इस इंसिडेंट के बाद ऑलमोस्ट 7 डेज अ मंथ मुझे एमएसए मैसेज करके बोलता है कि यू हैव टू कम टू मिजोरम। फाइनली आफ्टर 15 मंथ्स मैंने मिजोरम एमएसए से मिलने जाने का प्लान बनाया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्रिप में डे 18 में असम के सिलचर हम पहुंच चुके थे। सिलचर से मिजोरम के आइजोल का डिस्टेंस है 162 किलोमीटर। क्योंकि आज सिलचर से आइजोल पहुंचेंगे एमएसए और मेरा कनेक्शन दिखाना जरूरी था। आइजोल पहुंचते ही एमएसए ने हमें कैसे वेलकम किया एंड ऑन द वे एवरी इंफॉर्मेशन आपको मिजोरम पहुंचने तक का दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। कल रात को ये बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, मैं भी टायर्ड था। और हम लोग यहाँ पे एक फ्रेंड है सौरभ जो हमारे साथ लद्दाख गया था, वो उन्होंने हमें सिलचर पे होस्ट किया है। अभी सो रहे दोनों। आज हम लोग मिजोरम के लिए निकलेंगे। ये तेरा वो कितना पड़ा? 220 है सर। 220? हाँ 220 इंस्टॉलमेंट में लिया है ना। और वैसे आपका 190-195 ऐसा पड़ेगा। 190 का है ये भाई? क्या बात बोल रहे हो, मेरा तो 140 का है। ये बहुत अच्छा है, मतलब नहीं मालूम क्या है, मतलब तू कहना चाहता है कि मेरा बाइक खराब है? ऐसा नहीं है, लेकिन ये पड़ा है ऐसा ही 190-195 ऐसा है। इसका ऑरेट मॉडल है जो हाई टूचा है इसका। रैली वाला? हाँ रैली वाला। वो और भी महंगा है? वो 5-10,000 डिफरेंस है मतलब उसका। पर सीसी तो सेम है ना? हाँ सीसी सेम है। गाइस ये है सौरभ, अगर आप लोगों ने नहीं मिला है तो। सौरभ हम लोग के साथ गया था लद्दाख। लद्दाख का आप लोगों ने सीरीज़ देखा होगा तो इसको देखा ही होगा। सौरभ ने हमें अपना इस स्मॉल रूम पे होस्ट किया है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए लोगों के पास बहुत बड़े बड़े घर भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े बहुत स्पेस भी होता है, पर होस्ट करने के लिए इतना दिल चाहिए होता है जो इसके पास है। इतने छोटे रूम पर भी हम लोगों को इतने अच्छी तरह उसने सब वेज वेज बना के उसने बहुत अच्छी तरह हम लोगों को होस्ट किया है। देखिए चिकन के लिए भी इसने मतलब बना के दिया स्वीटू के लिए चिकन, और स्वीटू चिकन खा रही है अभी। क्या ही बोलूँ यार, दिल आ गया है सौरभ पे। ये नेपाल जाएगा बाइक, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, नेपाल राइड करेगा दिसंबर में। गुड, मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभी मैंने लोगों को इंस्पायर किया है। बहुत ज़्यादा आपसे ही इंस्पायर हुआ है। थैंक यू मैम। सिलचर कैसा है ऐसे बता तो, सिलचर में क्या खासियत है? सिलचर में खासियत वीडियो अब बंद कर देना, सिलचर में खासियत कुछ नहीं है। मैं खुद यहाँ से निकलना चाहता हूँ बस। गाड़ी चलेगा? हाँ भाई सोचो, गाड़ी चल जाओ। कम छोड़ो छोड़ो अपने आगे। ओ ठीक है, अब सीख गई। गाइस दोस्त हो तो सौरभ जैसा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।
मामू लेक जैसा दोस्त होना चाहिए। अच्छी बात नहीं है, किराए पे घर पे रह के भी इतना छोटा सा रूम पे भी फिर भी हम लोगों को एकोमोडेशन दिया। क्या बोलो, चश्मा पहना दूं क्या इसका? मिजोरम कैसा है, सुंदर होगा ना? मिजोरम का लैंडस्केप फर्स्ट टाइम देखने जा रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप लोग मेघालय से होके आ रहे हो ना, अभी सिलचर में कुछ नहीं दिख रहा, फिर अभी धीरे धीरे आप लोग को थोड़ा 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 करके दिखता रहा। सिलचर में वही असम का वही आ गया फिर। बाय। बहुत धूल है, बेबेला बिचारी थक गई, सोई हो ऊपर से ये ऑरेंज इतना मतलब तेंगा है ना, क्या बोलो, चावल के साथ मिला के खाना पड़ेगा, चलते हैं। ये रास्ता का नाम भी बिल्ली। चलते हैं, ये वाला रास्ता थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पूरा जोवाई से लेके सिलचर तक रास्ता खराब था, पर ये वाला रास्ता थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो सोचा है कि थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। और थोड़ा सा इतना ज़्यादा जंगल तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो है। यहाँ से पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हम लोग यूट्यूबर हैं, थोड़ा सा पानी दोगे पीने के लिए? नहीं, इसको पिला देंगे। अब लेके आइए, ये क्या था? प्यास लग रहा है फिर भी नहीं पीगी, अजीब भी है। तो गाइज हम लोग ऑलमोस्ट ये मिजोरम बॉर्डर ही है ना, मिजोरम बॉर्डर पहुँच गए, आगे जाके चेक पॉइंट होगा जहाँ पे ILP वगैरह बनाना पड़ेगा, वहाँ पे फोटो तो मांगता है क्या? वीडियो हो रहा है अभी, छोड़ हमारे रास्ता के बारे में कुछ बोला कि नहीं? हाँ आप बोलो ना, ये जो रास्ता ख़राब है थोड़ा जोर से बोलना, आवाज़ आ थोड़ा सा। हाँ बोलिए, रास्ता ख़राब है उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए ना? हाँ आप बोलिए ना। तो आप लोग चाहते हो क्या, सरकार को कुछ बोलना चाहते हो ना, पता चल गया है तो बोलो ना सरकार को। हाँ, आप यहाँ पे रहते हो ना, सरकार बनाना चाहिए ना, आपको आपको बोलना चाहिए कि गवर्नमेंट सरकार यहाँ पे रास्ता ख़राब बना रहा है, बनाया नहीं है, ख़राब क्या है, बनाया ही नहीं है ही नहीं रास्ता, जिस तरह से हम लोग आए देता है तो फिर होता ही नहीं। ये देखो पूरा हिल गया, पूरा हिल गया है सब। एंड यहाँ तक का जो रास्ता है वो भाई लोग सभी सब लोगों को पता है कैसा है, बता दीजिए था कितना अच्छा है, इतना खराब है, इतना खराब है रास्ता, बट ठीक है थोड़ा बहुत अभी हम लोग जितना आए थोड़ा सा अच्छा था, बट कल जब जोवाई से सिलचर पहुँचे थे वो तो रास्ता पूछो ही मत, इतना ज़्यादा खराब है, और गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं ठीक कर रहे हम लोग को समझ में नहीं आता है। एनीवे हम लोग अभी मिजोरम अंदर करेंगे, अंदर जाएंगे और पता चला है कि अंदर रास्ता तो अच्छा है वो आप लोगों को दिखेगा। मीनवाइल बेला रेस्ट कर रही है क्योंकि वो थोड़ा सा थक गई है, इसको मुंह पे थोड़ा पानी वानी डाल दिया, थोड़ा सा अभी पानी भी पिलाया इसको, अभी खाना तो खा के आई थी ये। एनीवे वी विल हैव सम लंच एंड वी विल गो अहेड।
सिलचर से मिजोरम एंटर करने के लिए दो रास्ते हैं, एक वाया फाइसेन और एक वाया वायरंगडे। दोनों ही बॉर्डर्स हैं। ये दोनों रास्ता असम के कचार डिस्ट्रिक्ट से जाना पड़ेगा। अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं फाइसेन से। फाइसेन के बॉर्डर में हमें रोका गया फॉर ILP। गाइस दिस इज मिजोरम बॉर्डर, यहाँ पे ILP लगेगा। अब देखते हैं क्या क्या मांगते हैं ILP के लिए। गाइज इस वाले पार्ट को स्किप मत करना, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। यहाँ पे जब हम लोग पहुंचे हमें वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं किया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए मिजोरम एंटर करने के लिए जो ILP है, ILP के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जो भी गवर्नमेंट IDs हैं वो मांगते हैं, बेसिकली हमसे तो वही मांगा। मैंने अपना आधार कार्ड दिखाया और तारिक ने अपना कुछ गवर्नमेंट ID दिखाया और फिर हमें जाने दिया। मगर आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब कैरी करना है। गवर्नमेंट IDs के साथ साथ आप लोगों को अपना गाड़ी या तो बाइक का फुल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, बिकॉज आइजोल में, आइजोल बीइंग अ कैपिटल ऑफ मिजोरम, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स है। वो आप लोगों को आगे वीडियोस में दिखेगा, इस वाले एपिसोड नहीं, आगे वाले आने वाले एपिसोड में दिखेगा। और यहाँ पे बेसिकली इस बॉर्डर में अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स है, व्हीकल का और आपका अपना गवर्नमेंट ID है, तो इजीली जाने देगा। मगर यहाँ पे मोस्टली चेकिंग किस लिए होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एल्कोहल, दारू शराब यहाँ पे लेके जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज मिजोरम इज अ ड्राई स्टेट। अगर वहाँ पे पुलिस वाले आप लोगों को पकड़ता है, अगर आप लोगों का कपाल खराब है या तो दिन खराब है, लक खराब है, आप लोगों को 5 साल के लिए जेल में जाना हो सकता है, नहीं तो आप लोगों को 1,00,000 रुपए का जुर्माना भरना हो सकता है। देखिए ये तो किस्मत की बात है, अगर आपका बैड लक है तो ये हो सकता है। तो बेसिकली यही था हम लोग किस पर्पज से जा रहे थे। हम लोगों ने बताया कि हम लोग डॉग्स को खाना खिलाते हैं, स्ट्रे डॉग्स को रिफ्लेक्टिव कॉलर्स पहनाते हैं, तो वो लोग इम्प्रेस हो गए थे और हमको जाने दिया। और हमने जाने से पहले क्या किया देखिए। ये ILP जहाँ पे बनाता है मिजोरम बॉर्डर है, यहाँ पे डॉग्स को खाना खिला दिया एंड यहाँ के ओनर्स को भी दे दिया, मतलब यहाँ पे जो गेट पोस्ट में रुके हुए उनको भी रिफ्लेक्टिव दे दिया, इनको पहना देगा। আমি আমার কি কাম ওকে গম অলপ চলপ পাইছো নাইস चलो वो सच अ ब्यूटीफुल मिजोरम इज, देख सकते हो आप लोग। वाओ 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 वाओ, हमारे राइट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो एक ट्री का रूट्स पूरा फैला हुआ है, उसी को पेंट कर दिया है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। पहुंचने में अभी 60 किलोमीटर बाकी है, नॉट मच, जस्ट 60 किलोमीटर। सो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा आराम से फोटो वोटो खींच के जाएंगे। ओके दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को ये मैप दिखा के डायरेक्शन समझाना चाहता हूँ। फाइसेन या तो वायरंगडे से आप आगे आओगे तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा या तो जंक्शन मिलेगा, एंड उस जगह का नाम है कोलासिब। कोलासिब से थोड़ा आगे और आओगे आप लोगों को एक और इंटरसेक्शन या तो जंक्शन मिलेगा। दोनों ही आइजोल की तरफ आता है। एक है नेशनल हाईवे 6 जिसे साइरंग रोड के नाम से जाना जाता है, और एक है कानपुई दुर्तलंग रोड। नेशनल हाईवे 6 थोड़ा सा लंबा है, ऑन द अदर हैंड कानपुई दुर्तलंग रोड इज एन ओल्ड स्टेट हाईवे एंड ये रोड शॉर्ट एंड नैरो है, तो हमने लिया ओल्ड स्टेट हाईवे। बहुत ही शांत है अपना, क्या बोलते हैं, मिजोरम बहुत ही शांत है, कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देता है। एंड अब हम लोग जिस वे से जा रहे हैं ये एक शॉर्टकट है, रास्ता थोड़ा सा नैरो है एंड क्लिप्स थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे रास्ता है, बट ठीक है, एक्चुअली रास्ता ठीक है, बीच बीच में ख़राब था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मिजोरम का जो हिल्स है ना छोटे छोटे हैं, मतलब बहुत बड़ा बड़ा अरुणाचल जैसा नहीं है, तो इट्स अच्छा लग रहा है यहाँ पर राइड करके, पहली बार है। तारिक का क्या कहना है? फर्स्ट टाइम मिजोरम,
so far so good. So roads are really bad, but people say that, you know, bad roads always take you to beautiful destinations. Yeah. So, देखा? Keep riding till we reach. A few moments later. Guys, be careful. Yep, guys, the people drive very fast. Yeah. Okay, so that's my brother from another mother. Yeah. That's Mr. Ralte. We have met in Ladakh. Hanle. And a lot of stories. You can check our videos. And he's there. It's just because of him that we have come here. Otherwise, we don't have any intention of going to places. I just wanted to meet my friends, so I came. And you can already see the sky, such a beautiful sky, just like his jacket, man. Guys, it's nice meeting you. We'll have a great chat. Yeah. And dekha jayega, yeah. Nice, nice, man. And he was waiting somewhere. He, by the way, he rides this Royal Enfield. I hope that's not a problem. Yeah. I'm really happy to see you guys now. So the first time when I saw him in Hanle, I was all alone that day, no? I just saw his registration. Really? And then I went to meet him. Yeah. And we spoke. And then we became friends at that time only. He was alone there. Yeah. And when I went there, I spoke to him. We became friends. I was the first one to go and talk to him. We became friends and we have been in connection for how many months now? 1 year? It's already 1 year. Over 1 year. Finally, we are meeting today. We are in Aizawl only. Aizawl only, and yeah. Okay. Guys, I have never seen anyone in my entire life so excited to meet me, especially a male friend. But MC was. He was leading us, and every time there was a halt in the traffic, he looked back at us and we clicked photographs. He was waving everywhere. He was so excited. And we were already in love with Aizawl because आप ये फोटो देख लीजिए. इस फोटो में everyone in traffic was going by the rules. कोई ओवरटेक नहीं कर रहा था, कोई ड्राइवर वाला मार्क क्रॉस नहीं कर रहा था, एंड कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा था. Everyone is so disciplined. Aizawl के ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको आने वाले व्लॉग्स में देखने को मिलेगा. Meanwhile, MC guided us to our homestay. But यहाँ एक प्रॉब्लम हुआ. एक डॉग फ्रेंडली एकोमोडेशन ढूंढना बहुत ही मुश्किल बात है. पहले रालते ने जो हमें गवर्नमेंट गेस्ट हाउस पे लेके गया था, वहाँ पे मना कर दिया. आई थिंक इसने भी खबर नहीं किया था कि वहाँ पे हम लोग डॉग लेके आ रहे हैं. तो वहाँ से हम फिर से रीपैक करके अभी आए हैं मैरीलैंड होमस्टे. बात किया हुआ है, अभी देखते हैं. बात तो क्या हुआ कि डॉग लेके आए हैं, देखते हैं क्या. 1200 रुपये पर नाइट है, इट्स ओके, फाइन. 1200 रुपये देने के लिए रेडी हैं अगर डॉग को रखने के लिए जगह देते हैं. अदरवाइज़ कल हम लोग का एक दोस्त आएगा रसल करके, उसका अपना घर है. अगर वो भी आता है तो उसके वहाँ पे रुकेंगे. मीनवाइल अलाउ करते हैं कि नहीं, देखते हैं. We were allowed to stay in Maryland homestay. And यहाँ का नाइट व्यू कुछ इस तरह का है. यहाँ से बिना टाइम वेस्ट किए हम रालते के घर पहुँचे डिनर के लिए. मिजोरम में लोग डिनर जल्दी करते हैं, सो हम लोग रालते के घर पहुँचे 7 PM, विच इज ऑलरेडी लेट. चलो डिनर प्लेट में क्या है देखते हैं. गाइस, वी हैव कम टू MS's place for dinner. He has invited. And yes, he has prepared. I mean, like, the family has prepared some great dinner. Can you please? This one is a pork. This one is a pork, which is also pork. Also pork. Anda. Pork. Pork. Then dal. That's. I don't know what is that called. That's kind of brinjalong, right? Yeah. Let's see. I don't know. I don't know in English. No. So, and that's just. Yeah, this one also I don't know. My Paul. Yes, this one is we call samtrok. It's like pumpkin. Yes. Pumpkin. Okay. Yes. Okay. That's I forgot your name. Sorry. Tharte. You introduce yourself. Oh, in English. English or Hindi? Oh, anyway. My name is Tharte from Aizawl. Aizawl, and she is our beloved brother's wife. And mom is sitting and sister is also. Okay, we'll just have our food. Okay. This one is Piyas, na? Piyas. Let's have food. Who are you?
kaju thanga khongai lokala samira lokala kan lom le dinai te anin kom na sa now I'll need help to yes. someone that translate me to that I know subtitle samir will translate hindi mein okay guys we are leaving from here and it was great having dinner at Mr. Lalti's place. Thanks to all the family members. Lovely dinner. And here is Samir and I forgot his name. Yes. Khongaya. Khongaya. Doctor sir. Doctor Khongaya. We'll say doctor. Yes. Yeah. Hi, doctor. Yeah. Doc. Anyway, let's move out from here. And that's Lalti's sister, by the way. Can you say hi? Hi, bye. Bye, bye. Okay. Bye, bye, direct. Guys, khana khake. मजा आया डालती के घर में. अमेजिंग एक्सपीरियंस. कितनी वेराइटीज का पॉर्क खिलाया उसने, क्या क्या खिलाया है नाम तो मैं भूल गया. एंड यस, नॉट टू फॉरगेट अबाउट दिस होमस्टे. इस होमस्टे को मैं कल अच्छी तरह आप लोगों को दिखाऊंगा. मीनवाइल इस डॉग, इस होमस्टे में डॉग को अलाउ कर दिया है, वही मेरा सबसे बड़ा टेंशन रहता है. एंड बेला भी नीचे वहाँ पे सो रही है. एंड कोई टेंशन नहीं है उसका, आप स्लीपिंग बैग में लेके आता हूँ नॉर्मली. और सुबह देख पता चलता है कि वो बिस्तर के ऊपर ही सो रही थी. क्या करूँ, अभी कुछ नहीं कर सकता. तो यस गाइस, आज के लिए इतना ही. इट वाज एन अमेजिंग डे. इट वाज अ स्लाइटली हेक्टिक, नॉट एज हेक्टिक एज यस्टरडे. इस वीडियो को यही रैप करते हैं. बाय बाय एंड गुड नाइट.